उषांति मुरली का सार है मीठे बच्चे तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सलवेज करने वाले सल्वेशन आर्मी हो तुम है कर्म बंधन में नहीं फसना है मीठे बच्चे तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सलवेज करने वाले सलवेशन आर्मी हो अच्छे ऐसे लगता है क्या कि तुम सलवेशन आर्मी हो तुम सारे सृष्टि के सभी आत्माओं को कर्म बंधनों से मुक्त करने के निमित्त हो पर क्या तुम हुए हो मुक्त या तुम स्वयं बंधन में हो चेक करो कहीं तुम्हारा मन तुम्हें बांध कर तो नहीं रखता जैसे चाहे जो चाहे विचार चलाकर और तुम कहीं स्ट्रेस में टेंशन में डिप्रेशन में तो नहीं जाते हो कहीं बुद्धि तो तुम्हारी नहीं भटकाती तुम्हें कई बच्चे बुद्धि ने बांधा तो नहीं है तुम्हें और बुद्धि दूर दूर तक भटकाती तो नहीं है तुम देखना चाहते हो अपने आप को और बुद्धि कुछ और तो नहीं दिखाती देखना चाहते हो बाप को परमधाम में और बुद्धि कुछ और तो नहीं दिखाती कहीं संस्कारों ने नहीं बांधा है तुम्हें विचार करो कहीं गुण शक्तियां दिव्य गुणों ने तो नहीं बांधा है मैं अच्छी बात कर रहा हूं फिलहाल अच्छे में तो नहीं बंधे हो, कि शांति चाहिए सुख चाहिए प्रेम चाहिए ये बंधन है बच्चे अच्छे है पर बंधन है समझ है बच्चे बहुत लोग दुनिया में हैं कहते रोज हम हेल्थ ठीक रहे इसके लिए फलानी दवाई खाते हैं अलग अलग प्रकार की टैबलेट नहीं आयुर्वेदिक दवाई वो क्या कहते हैं कि शरीर ठीक रहे इसलिए ये दवाई खाते हैं वो कहते हम बीमार नहीं है गलत फहमी अब बीमार हो बिना दवाई के स्वस्थ रहकर दिखाओ अब बीमार हो इसलिए तो आपको सप्लीमेंट लगती है दवाई के रूप में आपका शरीर उन दवाइयों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता निर्मित नहीं कर सकता आप बीमार हो सेम बात है कोई कहता है मुझे शांति चाहिए शांति तो नहीं करते किसी के साथ पर हमें शांति में रहना पसंद है बीमार हो हो हमें सुख भरा भरा वातावरण तो अच्छा लगता है सभी प्रेम व्यवहार करें तो आनंद आता है बीमार हो क्योंकि चाहिए तुम्हें हमारे सामने ऐसा व्यवहार हमें पसंद नहीं जिसमें श... सहन शक्ति को जागृत करना पड़े बीमार हो सिंपल सी बात है बच्चे बीमार हो तुम क्योंकि चाहिए ना तुम्हें अच्छा विचार करो बच्चे तुम्हें बुरा प्रभावित करता है इसलिए तुम अच्छे की मांग कर रहे हो समझ है बच्चे बुराई तुम्हारे अंदर है स्वस्थ कौन बाहरी रूप से तेज बारिश में मैं किसी को कह नहीं रहा हूं करना भी नहीं तेज बारिश में नाच के दिखाओ खेल के दिखाओ अच्छी ठंड है और बिना गरम कपड़े के टहल के दिखाओ बाहर बैठ कर दिखाओ अच्छी धूप है बिना छाते के धूप में कोई सेवा करके दिखाओ वो है बाहरी रूप से स्वस्थ सेम बात है बाहर शांति है शांत रह के दिखाओ बाहर नफरत है प्यार भरे स्वरूप में रहकर दिखाओ बाहर विराट दुख है सुखी कर दिखाओ समझ है बच्चे कहीं तुम तुम्हारे कर्म बंधन में फंसे हुए तो नहीं हो चले हो दुनिया को मुक्त करने पर क्या तुम मुक्त हो कहीं तुम बंधन में तो नहीं हो मेरे बच्चे चेक करो इस संसार में सबसे ज्यादा बंधन में आध्यात्मिक लोग हैं। संसारी नहीं है गृहस्थी नहीं है वो तो जो मन में आए करते हैं इनके मन में भी आ रहा है कर भी नहीं सकते कितनी अड़चन है और जो कर रहे है उसका मन नहीं है अध्यात्म कर रहे है। भक्ति के रूप में ज्ञान के रूप में मुरली योग पर उसका मन नहीं और जिसका मन हो रहा है वो कर नहीं सकते क्या जीवन है आए क्यों हो इस राह पर समझ है बच्चे बहुत बच्चे आध्यात्मिक राह पर आकर वही करना चाहते हैं जो संसार में करते आए तो फिर आए क्यों हो यहां पर समझ है बच्चे अपनी अवस्था को पाना है तो राज्य संसार रूपी त्यागना तो पड़ेगा तुम क्या त्यागने के लिए तैयार हो अपने आप को पाने के लिए उत्तर दे सकते हो क्या त्याग सकते हो अपने आप को पाने के लिए और जो त्यागने के लिए तैयार हो वो पर्याप्त है क्या अपने आप को पाने के लिए तुम स्वयं विचार करो बातें तो बड़ी बड़ी करते हो मुझे अपने आप को पाना है पर बच्चे अपने आप को पाने के लिए जो परहेज करनी है वो करने के लिए राजी नहीं हो बच्चों तुम कर्म बंधन में हो तुम दुनिया को क्या बंधन में से निकालोगे तुम स्वयं अटके हुए हो हु। स्वयं चिल्लाते रहते हो बाबा ये करो बाबा वो करो कोई लेटर लिखता है कोई रो रिहान में चिल्लाता है ऐसा कोई जीवन है बच्चे एक दिन का ऐसी कोई अमृत वेला है जिस समय तुमने कोई चिल्लाना नहीं किया हो ऐसा कोई दिन नुमाश शाम जिसमें तुमने परमात्मा को कोई कंप्लेन नहीं की हो ये ठीक करो वो ठीक करो मेरी स्थिति बनाओ मेरा योग लगवाओ मैं संसारिक बातें नहीं कर रहा हूं अंदर की बात है परमात्मा को तुमने कंप्लेन नहीं की ऐसा कोई दिन है तुम्हारे जीवन का अगर होगा तो उतना ही तुम जिए हो जब जब तुम कंप्लेंट्स में रहते हो तुम मर चुके हो मेरे बच्चे आपको पता है कोई जब शरीर छोड़ता है तो जब तक वो सितारा बनकर दूसरे गर्भ में प्रवेश करे तब तक सिवाय कंप्लेन के कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता ये नहीं किया वो नहीं किया इन्होंने ऐसा व्यवहार किया उन्होंने वैसा व्यवहार किया ये मेरे माता पिता ऐसे पति पत्नी वैसे बच्चे वैसे तेरा दिन कंप्लेन चलती क्योंकि जिंदगी चली गई कंप्लेन करने में कभी किसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया इसलिए मरने के बाद भी वही दोहरा रहे जो जब जिंदा थे और दोहरा रहे थे समझ है बच्चे संस्कार जो बन चुका है विचार करो है ऐसा कोई दिन जो तुम इस राह पर जिए बच्चे तुम बंधन में हो पूरा पूरा जो स्वयं बंधन में है वो दूसरों को बंधनों से क्या निकालेगा तुम जो सोचते हो कि तुम दूसरों को बंधनों से निकाल रहे हो तुम्हारा भ्रम है किसी परिवार से कोई सदस्य ज्ञान में चल रहे है। जब तक तुम इस ज्ञान को धारण नहीं करते गलती से भी ज्ञान नहीं देना किसी को गलती से भी वरना कभी धारण नहीं कर पाओगे तुम्हें बड़ा शौक है माउंट आबू में परमात्मा आया है आप क्या कर रहे हो ये सब चलो परमात्मा से मिलने देखो मैं जैसे इन्होंने परमात्मा को पा लिया स्वरूप बन गए परमात्मा का अता पता तो कुछ है नहीं बातें बड़ी बड़ी करते हैं तुमने अगर परमात्मा पाया है, तो क्या तुम्हारे कर्म दूसरों को सुख देने वाले हैं तुमसे दूसरों को स्नेह मिलता है भले दूसरे तुम्हें लात भी मारे पर तुम स्नेह देते हो क्या दूसरे तुम्हारा अपमान भी करे तुम्हें गाली भी दे तुम स्नेह देते हो क्या वो कितनी भी अशांति क्रिएट करे तुम्हारे जीवन में तुम्हें परमात्मा मिला है ना तुम शांति देते हो उनको समझ है बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि परमात्मा आया है पता तो कुछ है नहीं और बात बात मत पूछो देख बच्चे बंधन में है तुम ध्यान में रखना बच्चों जब तक सारे बंधन नहीं कटते तन मन के तब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते इम्पॉसिबल है कितनी भी कोशिश करो बाप ने जो सोल कॉन्शियसनेस की विधिया बनाई है वो दिन रात भी करो फिर भी नहीं आओगे पहले सारे बंधन काटो तन के भी और मन मना मन, मन, मन बुद्धि संस्कार के भी कटे हैं, आत्मा को मुक्त नहीं किया है बंधनों से और उसे स्वरूप में लाने की चेष्टा कर रहे हो कैसे पॉसिबल है ये तो ऐसी बात हुई कि प्रिजनर को तुम राजा बनाने की चेष्टा कर रहे हो कोई कैदी है कारागृह में और तुम उससे कह रहे हो कि आप हमें राजा के जैसे लग रहे हो हम आपको राजा बनाएंगे वो भी बड़ा खुश हो जाता है पर उस मूर्ख कैदी को पता नहीं कि वो कारागृह में है राजा कैसे बन सकता है बाहर तो निकाल नहीं रहे उसे कारागृह से पर राजा बना रहे ये तो पागलपन होगा रिहा हुआ ही नहीं है और राजा कहां से बनेगा बच्चे होश में आ, पहले कारागृह से बाहर निकल बंधनों से बाहर निकल आत्मिक स्थिति का प्रयास कर इसलिए बाप कहता है फकीर बनो देह और देह के सारे संबंध भूलो फिर बच्चे अपने को आत्मा समझो तुम सीधा तीसरे स्टेप्स पर कूद रहे हो समझ है बच्चे होश में आओ देख इस संसार में तुझे क्या प्रभावित करता है दोनों तरफ से पॉजिटिवली और निगेटिवली तुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती और तेरी स्थिति गिर जाती है प्रभावित हो रहा है तुझे कोई बात बहुत अच्छी लगती है और एक्साइट हो जाता है प्रभावित हो रहा है किसी ने गाली दी अपमान किया निंदा की स्थिर रह सकता है किसी ने तारीफ की अच्छे वचन बोले स्तुति की प्रशंसा की स्थिर रह सकता है जो इन बातों में स्थिर रह सकता है वही आत्मिक स्थिति में आ सकता है बाकी नहीं आ सकते देख अपने आप को सोच अपनी अवस्था को देख बच्चे तू बंधन में है तेरे सब्जी में इतना सा नमक कम हुआ तो स्थिति ऊपर नीचे होती है। ये तेरी अवस्था है तेरे वस्त्र में इतना सा दाग लगा तो स्थिति ऊपर नीचे होती है तू अच्छा सोया है किसी ने आवाज किया तो स्थिति ऊपर नीचे होती है तू परवश है इन सभी के तुझे पता भी नहीं है तू कब परवश हो चुका है हर परिस्थिति में जिसकी स्थिति ठीक रहे वही बंधनों से मुक्त है देख सोच तेरी ऐसी स्थिति है ऐसी अवस्था है समझ की बात है विचार कर तू बच्चे होश में ही नहीं है और चला है दुनिया को कर्म बंधनों से निकालने समझ है बच्चों ये कैसी बात हुई पता है एक पागल खाने में एक पागल आया और कह रहा है मैं डॉक्टर हूं सबको ठीक करूंगा उन पागलों को भी यही लगता है कि ये डॉक्टर है क्योंकि वो भी पागल ये भी पागल ये तेरी अवस्था है तू पागलपन के दौरे में है और दुनिया को कहता है हम आपको कर्म बंधनों से निकालने के लिए आए हैं समझ है ऐसे कभी कोई कहे करना नहीं जब कोई कहे मारो थप्पड़ और देखो इसकी स्थिति हम तो पागल है इसलिए थप्पड़ मार दी अभी आप तो ज्ञानी हो ना शांत रह के दिखाओ और हमें भी शांत कराओ कर सकते हो समझ है सब गुरु बनने चले यहां पर सारी दुनिया पागलों का मेला लगाए उसमें ये महापागल कहते हम डॉक्टर हैं हम ठीक करेंगे आपको ये खुद पागल है मजेदार रामा है यही तेरी अवस्था है पागलपन का सबसे बड़ा दौरा पता है कौन सा आता है उस पागल की कोई सेवा लो आप वो कह गया वो कहेगा अरे मेरी सेवा है वो आपको कैसे दी इसका पागलपन जग गया जग गया पागलपन पता नहीं पहले तो मुझे देते थे सेवा अभी मुझे देते नहीं ये पागलपन के दौरे में है सबसे ज्यादा इंसान पागल होता है जब सेवा होती है उसके पास वो उसी में उलझा हुआ होता है उसको पता ही नहीं होता कि उसका भी अपना कोई अस्तित्व है उसे लगता है ये सेवा ही सब कुछ है सेवा को ही अपना अस्तित्व बना दिया उसने पागल हो गया पहले दाल हमसे बनवाते थे अब ये बनवाने लगे ये पागल पागलपन के दौरे में आया है समझ है बच्चों देख तेरी ऐसी हालत तो नहीं है तो यहां क्यों आया है किसी किसी का पागलपन जो है ना वो दबा हुआ होता है वो दिखेगा नहीं देखना है उसे सेवा दो उसने शुरुआत पांच दस परसेंट किया बस उसे कहना आप नहीं करना आप आइए बैठे आप कर लीजिए इसकी स्थिति देखिए बस स्थिति देखिए पूछेगा क्या हुआ हमसे कोई गलती हुई क्या पागलपन का दौरा स्टार्ट हो गया हमने ठीक नहीं किया क्या श्रीमत अनुसार नहीं किया क्या हज नहीं किया क्या कितने सवाल उठते इसके मन में पागलपन के दौरे में ये तुझे क्या लेना देना है तुझे कर कहा तो कर ना कर कहा तो ना कर बात समाप कही ये हालत आप सभी की तो नहीं है देखो ऐसे मरना है क्या पागलपन के दौरे में अब ये लैपटॉप ये कैमरा ये साउंड सिस्टम लाइव चल रहा है और ऑपरेटर को मैंने कहा बच्चे तू पीछे बैठ आप आगे आ जाओ तो सवाल तो नहीं उठेंगे मन में अगर उठेंगे मन आप पागल हो पागल को मैं नहीं समझा सकता। कैसे समझाया जाए पॉसिबल नहीं और मेरे हिसाब से जिसको समझाना पड़ता है वो पागल है जिसको सिर्फ बताया जाता है और एक्सेप्ट करता है वो पागलपन से बाहर है होश में नहीं आ बस पागलपन से बाहर है होश की बात आगे है बच्चे होश की बात सब समझ की बात है सारी देख विचार कर अपने आप से तेरी अवस्था क्या है तेरी स्थिति क्या है बाबा के हिसाब से अध्यात्मिक लोग ज्यादा से ज्यादा पागलपन के दौरे में हैं क्योंकि उन्होंने संसार को अध्यात्मिक संसार को इस तरीके से पकड़ लिया है छोड़ने के लिए राजी नहीं सभी की ऐसी अवस्था है किसी को पता ही नहीं है श्री राम जी स्वयं प्रगट हो जाए और उनको कहे अभी मैं आ गया अभी राम नाम बस हो गया नहीं बस कर सकता ये चालू रहेगा राधा कृष्ण जी स्वयं प्रगट हो गए और दोनों ने कहा अपने भक्तों को अभी ये नाम बस हो गया मैं मिल गया ना मैं मिल गया ना राधा और कृष्ण दोनों भी नहीं इनसे होता नहीं वो कहते हैं नहीं पॉसिबल नहीं है माना बच्चों आप बंद गए बाबा मिला और बाबा ने कहा बच्चे मैं मिल गया ना अभी अभी चलो सेवा करते हैं बाबा पर नुमा शाम का समय है योग का टाइम है ये पागल अमृत वेले मैंने इसे उठाया चलो जरा सेवा करते हैं। बाबा पर अमृत वेले याद का समय है ना पागल मैं ये नहीं कहता याद नहीं करो पर जिसे याद कर रहे हो जिसका नाम ले रहे हो वो स्वयं आए फिर भी इनसे छूट नहीं रहा है बच्चे तुमने बांध दिया अपने आप को सारी बातों से सबने किसी न किसी बात से अपने आप को बांध दिया है माता पिता को यही लगता है हमारे बिना बच्चों का क्या होगा पति पत्नी को एक दूसरे के लिए लगता है हमारे बिना क्या होगा बच्चों को लगता है हमारे बिना माता पिता का क्या होगा यही पागलपन है तुम्हें जो लगता है ना किसी भी बात को लेकर कि हमारे बिना फलाने का क्या होगा फिर वस्तु हो पदार्थ हो रिश्ता हो व्यक्ति हो यही बंधन है तुम बंध चुके हो समझ है बच्चों बंध गए हो तुम्हें पता भी नहीं है कब बंध चुके हो तुम पूरे पूरे बंध गए हो और तुम चले हो दुनिया को मुक्त करने पॉसिबल नहीं बच्चे जो किसी में भी बंधा हुआ नहीं है वही दुनिया को मुक्त कर सकता है क्या आप बंधन से मुक्त हो विचार करो लिस्ट निकालो आज कितने बंधन है मुझे भी देखना है मुझे चार्ट चाहिए सबका हर किसी का लिखावट में चाहिए फिर मैं डिसाइड करूंगा तुम्हें सेवा देनी या नहीं देनी बंधन तो देखने दो मुझे तुम आए क्यों हो यहां पर सेवा करने या बंधनों से मुक्त होने संसार छोड़ा है किसलिए समझ है बच्चे संसार किस लिए छोड़ा है ताकि तुम सारे बंधनों से निकल जाओ एक कदम तो उठा लिया तुमने नौकरी धंधा तो छोड़ दिया परिवार रूपी संसार छोड़ दिया अभी अगले संसार जो है उससे भी तो निकलना है देह का संसार मन बुद्धि संस्कार का संसार निकलना तो पड़ेगा ना समझ है इसलिए ज्ञान किसी से भी सुना नहीं जाता जो ज्ञान देने वाला है उससे पूछो क्या आप अपने मन के बंधन से मुक्त हो क्या आप अपने बुद्धि के बंधन से मुक्त हो संस्कारों के बंधन से मुक्त हो गुण शक्तियां दिव्य गुणों के बंधन से मुक्त हो और अगर हो तो दे सकते हो ज्ञान और अगर नहीं हो तो नहीं दे सकते हुँ? कारण भी बताता हो बच्चे तुम जिससे ज्ञान सुनते हो भले उसका ज्ञान श्रेष्ठ है पर वो जिन बंधनों में है उन बंधनों में तुम भी अटकते सेम हो सेम ऊर्जा फ्लो होगी तुम चाहो ना चाहो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ ज्ञान की ऊर्जा फ्लो होगी नहीं बच्चे जैसे कछुआ आता है यहां दिन भर कछुए के साथ खेलो तुम भी मंद हो जाओगे अपने आप यही हालत हो गई संसार की कुत्ते के साथ खेलते बिल्ली के साथ खेलते ऐसी मेंटालिटी हो गई है सबकी समझ है बच्चे मोबाइल के साथ खेलते ऐसी मेंटालिटी हो गई है समझ है देख बच्चे विचार कर अपने से विचार कर इसलिए बाप कहता है किसी से भी ज्ञान नहीं सुनना होता बच्चे सिर्फ बात उनके मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तिया दिव्य गुणों के बंधनों की नहीं है जिससे तुम ज्ञान सुनते हो ना परमात्मा छोड़कर कोई भी देहधारी है आत्मा है जिससे तुम ज्ञान सुनते हो उसके शरीर की बीमारियां भी ट्रांसफर होती है सुनो मुझे कोई आपत्ति नहीं उसका दुर्भाग्य भी ट्रांसफर होता है उसकी सारी ऊर्जा आपकी ओर फ्लो होती है और एज इट इज नहीं पर थोड़ी तो मात्रा में आपकी जीवन उसी की तरह होगी ज्ञान सुनने वाला जिससे ज्ञान सुन रहा है कब उसकी टोन उसके जैसी हो जाती उसको भी पता नहीं चलता ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ ऊर्जा ट्रांसफर हुई इसलिए बाप कहता है बस एक बाप से सुनो और बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए कुछ नया चाहिए कुछ कनरस चाहिए ड्रामा बच्चों। देख बंधन में है विचार कर तूने अपने आप को कितनों से बांध दिया तुझे पता भी नहीं तेरे बुद्धि में जो जो स्मृतियां आती है फिर पास्ट हो या फ्यूचर हो प्रेजेंट की तो कोई स्मृति होती नहीं फ्यूचर की स्मृति कौन सी है तो भविष्य में चला गया और अपने सपनों के महल बना लिए उसकी स्मृतियां हलाई और पास्ट की तो अनगिनत है तो तेरे बुद्धि में जो जो स्मृतियां आती है वो सारे बंधन है सारे के सारे बंधन है समझ है विचार कर कोई रात को सोता है आधी रात को उठता है सोचता है केयर अच्छी बात है पर सोचता है अरे बाहर की लाइट बंद की है ना बंधन है ये बंधन में जी रहा है लाइट बंद हुई या नहीं हुई दो पांच रुपया दस रुपया बिल आ जाएगा एक्स्ट्रा मैं ये नहीं कहता चालू रखो पर उसके लिए इतनी बड़ी और सुंदर ऊर्जा तो नष्ट कर रहा है चिंता करके इसके बुद्धि में सारी स्मृतियां पड़ी रहती कचरा होता है सारा समझ है और पागल कौन बच्चों जो पास्ट में चला जाता है वो पागल है सच कहता हूं मैं बच्चों जो बार बार पास्ट में जाता है या किसी का पास्ट उसके पास बार बार आता है उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है ट्रीटमेंट की जरूरत है बच्चों वो पागल है मैं लिख के देता हूं आपको चैलेंज करके उसके अंदर एक सोल है पागलपन वाली मैं लिख के देता हूं गारंटेड नहीं निकली तो छोड़ दूंगा यह विश्व कल्याण का धंधा चैलेंज करता हूं आपको उस सोल को नहीं समझाया जा सकता मेरे बच्चों इसलिए पांच से कोई बात निकाली आप उसे क्लेरिफाई नहीं कर सकते आप उसे क्लियर कर ही नहीं सकते क्योंकि वो पागलपन वाली आत्मा ने निकाली है, और पागलपन वाली आत्मा को आप कितना भी समझाओ वो समझने को राजी नहीं होते वो जैसे कह रहे उसको भी आपने हाजी किया फिर भी वो राजी नहीं होंगे ऐसे नहीं कि आपने कुछ और कहा नहीं वो जो बोल रहे उन सारी बातों को हाजी करो फिर भी वो बोलते रहेंगे फिर भी वो चर्चा करते रहेंगे जिनके अंदर एक्सप्लेनेशन का गुण है डिस्कशन का गुण है इनके अंदर पागलपन वाली सोल है वो बहुत सटल लेवल में रहते है बच्चों वो दिखेगी नहीं आपको उस प्रकार से, जल्दी रीडिंग में नहीं आएगी नहीं आती वो बहुत सटल वे में रहती है अचानक से इसको पागलपन का दौरा पड़ता है जैसे उस पागल को पड़ता है सेम सिचुएशन होते देखो दोनों की। वो पागल भी उसको कितनी भी दवाईया दे दो कितनी भी ट्रीटमेंट करो थोड़े समय के बाद अपने आप नॉर्मल होता है सेम ये भी नॉर्मल होता है सेम सिचुएशन होती है बच्चों बंधन में हो विचार करो जिनको हल्की बातों में गुस्सा आता है नाराज होते उदास होते ऊपर नीचे होते इनके अंदर पागलपन वाली सोल है समझ है आध्यात्मिक लोगों में ये होना शोभा नहीं देता संसार में तो वो फ्रेंड्स में मां बहन की भी गाली देते फिर भी शांत रहते लोग एक दूसरे को थप्पड़ भी मार देते फिर भी शांत रहते वो हस्बैंड, बीवी, वाइफ देखो कैसे चलते हैं? मार पीट करते अगले घड़ी अरे चलो भोजन करने आध्यात्मिक लोग पकड़ के रखते हैं। जन्म भर तक कितने दिनों तक पकड़ते उन्होंने छोड़ भी दिया एक दो घड़ी में मार पीट करके भी इन्होंने तो होल्ड करके रखा है इन्होंने ऐसे बोला था इन्होंने वैसे व्यवहार किया ओढ़ करके रखा ये पागल है समझ है बंधनों में हो बच्चों कहा मुक्ति देने चले लिस्ट निकालो अपनी कितने बंधनों में हो ये मजाक नहीं है मेरे बच्चों क्या पागलपन में ही मरना है स्मृति में स्मृति में होश में नहीं आना है क्या चाहते हो पागलपन में ही मरे शरीर छोड़े बंधन माना पागलपन देख विचार कर तेरी अवस्था को देख समझ के बात है सारे दुनिया को और पागल बना दिया है वो हेडफोन लगाते हैं ईयरफोन लगाते अपने धुन में ही चलते रहते हैं परमात्मा ने टेक्नोलॉजी बनाई है ताकि उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तू तो इस अवस्था में जा तो उससे भी एंटरटेनमेंट करने लगा है इसलिए अध्यात्म भी तेरे लिए एंटरटेनमेंट हो गया परमात्मा मिलन भी एंटरटेनमेंट हुआ ये मुरली भी बहुतों के लिए एंटरटेनमेंट है समझ बहुत से बच्चे कहते हैं आज मुरली नहीं आई खाली खाली लग रहा है इसको इसका पागलपन का ड्रग मिला नहीं है मुरली तो आत्मा में सदा चलती है निराकार बाप के रूप में सदा स्मृति के रूप में समझ है बच्चों एक छोटा सा सवाल पूछना नहीं चाहिए पर पूछ रहा हूं मुरली बड़ी या मुरलीधर बड़ा मुरलीधर है इसलिए मुरली है और मुरलीधर ही अगर स्मृति में है तो वो स्मृति ही मुरली है समझ है बच्चे है तेरे पास ऐसी मुरली जो दिन रात चले स्मृति की तेरा ये समझाना तब तक है जब तक तेरी स्मृति की मुरली नहीं चल रही जिस दिन तेरी स्मृति की मुरली चलना शुरू हो गई समझानी पूरी हो गई अभी तू समझाने वाला बन गया समझ की बात है बहुत बच्चे ऐसे ही चल रहे हैं बस चल रहे रोज मुरली आती है मीठे बच्चे तुम सर्व आत्माओं को कर्मबंधन से सैलवेज करने वाले सैलवेशन आर्मी हो। कॉलर टाइट हो गई इसकी हम सलवेशन आर्मी सबको मुक्त करने वाले यह सब अपने ऊपर लेता है हम ये है हम वो है अगली लाइन नहीं सुनी तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है कान बंद करता है इस लाइन में नहीं ये हमारे लिए नहीं ये तो बाकियों के लिए हम तो मुक्त है अरे कहा के मुक्त हो तुम तो पूरे पूरे बंधन में हो विचार करो समझ है तुम्हारा बेडरूम चेंज किया बेड चेंज किया ना तो नींद नहीं आती तुम्हें ऐसे पागल हो तुम वो भी मेंटल हॉस्पिटल का पागल उसका बेड चेंज करो कमरा चेंज करो चिल्लाता रहता है ये भी हिस्सा ही है समझ है बच्चे उसको उसके ही कपड़े पहनने टेम्पररी भी किसी और के कपड़े को पहनने के लिए राजी नहीं तुम देखो सारे लक्षण अपने अंदर वो उसके हिसाब से ही उठेगा उसके हिसाब से ही खाएगा पिएगा बैठेगा सोएगा जो करना है करेगा ये तुम्हारी हालत है मन मत पागलपन अपने हिसाब से ही चलना है हर रूप से और क्या है बच्चा और कहते हम कर्म बंधन में नहीं है वाह वार। बच्चों जो बच्चे बंधन में है उन्हें खुद से कोई सेवा सोचने भी नहीं चाहिए आपको पता ये बात ये मजाक लगता है आप सबको कोई अगर बंधन में है, ये बच्चा बंधन में सपोज यहाँ कोई है नहीं उदाहरण दे रहा ये बच्चा बंधन में और इसने कहा बाबा लैपटॉप ऑन करो सेवा के लिए अभी वो लैपटॉप भी इसकी ऊर्जा में बंधन में आ जाएगा ध्यान में रखना ये बच्चा बंधन में इसने कहा बाबा कैमरा ऑन करो हाँ जी खुद से कहा है ना अभी कैमरे को भी बंधन आएंगे चीजें टेक्निकली कभी नहीं बिगड़ते चीजें हमेशा स्पिरिचुअली बिगड़ती एनर्जी के रूप में उस व्यक्ति को कैमरा दो लैपटॉप दो साउंड सिस्टम दो जो बंधन में उस चीज में प्रॉब्लम जरूर आना है टेक्निकल इश्यू जरूर होगा क्योंकि उसके अंदर वो जो अपने बच्चे कहते थे ना वो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम उसके अंदर वायरस है वो वायरस वहां ट्रांसफर होता है और रूप लेता है टेक्निकल इश्यू का और क्या कहते हैं पता नहीं क्या हो गया इस चीज को गलत व्यक्ति को सेवा दे क्योंकि उसकी ऊर्जा ठीक नहीं है ट्रांसफर हो गई उसी को भोजन में भेजो दाल चावल सब्जी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा रोटी गड़बड़ जरूर होगी क्योंकि इश्यू उसके अंदर है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम वहां पर है जिस सॉफ्टवेयर में वायरस है वो कितने भी अच्छे लैपटॉप में डालो उसकी बैंड बजा देगा सिंपल सी बात है लैपटॉप अच्छा है ना तो इतने से सॉफ्टवेयर से क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो वायरस है तो जिनके अंदर बंधनों की ऊर्जा है वो जिस बात को भी हाथ लगाएंगे वो बात बंधन में आ जाती है इसलिए सेवा तब तक नहीं करनी होती जब तक तुम बंधन से नहीं निकलते समझ है हा बाप ने डायरेक्ट कहा बच्चे तुम ये करो बस समाज पर तुम जब अपने से करते हो सेवा को रोक रहे हो बाधित कर रहे हो समस्या से भर रहे हो प्रॉब्लम से भर रहे हो समझ है फिर वो कहते हैं पता नहीं इसको क्या हो गया जरा देखिए अभी प्रॉब्लम इसका है इसकी ऊर्जा का कोई और कैसे सॉल्व करेगा ये अपने ऊपर नहीं लेगा कभी कि मेरे कारण कुछ हुआ होगा कल तो ठीक था आज कहां से प्रॉब्लम आया जब भी ऐसी बात हो पूछो इसको हाथ किसने लगाया स्टार्ट किसने किया है जरा बताओ वो तुरंत एक्सप्लेनेशन देता नहीं हमने तो बस लगाया है ऑन ही किया लैपटॉप कैमरा बस स्टैंड पर लगाया साउंड सिस्टम बस ऑन किए है हाँ वही तो पूछ रहे हैं। हाथ किसने लगाया समझ है ट्रांसफर हो गई ऊर्जा इसलिए श्रीमत पर तुम्हें समझ में आए तब ना पागल को श्रीमत समझ में नहीं आती पागल अपनी मत को ही लड़ाएगा हमेशा उसको और कुछ सूझेगा नहीं बच्चे बंधन में हो कहा दूसरों को मुक्त कर रहा और बच्चों ध्यान में रखना इस उदाहरण को भी और बात को भी महात्मा बुद्ध जी ने जब तक अपने को नहीं पाया था उनके पास कोई भी आए ज्ञान दिया ज्ञान दिया क्या बात समाप्त तुम कैसे दे सकते हो उन्होंने कोई सेवा की कर्मणा वाचा मनसा तन मन धन कोई सेवा की कोई आया उनके पास उसको खिलाया पिलाया बच्चे इस बात से ही समझो तुम कैसे सेवा कर सकते हो जब तक तुम मुक्त नहीं हुए हो और बच्चों ध्यान में रख अगर आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो और यह समझे कि दस परसेंट आए हो दस गांठे छोड़ दिए बंधनों के और दस परसेंट आत्मिक स्थिति में आए हो और अभी तुम क्या कर रहे हो कोई जो तुम्हें मिला है उसको बता रहे हो माउंट आबू में परमात्मा आया है चलो ज्ञान लेने पॉइंट ध्यान में रखना तुमने संसार की गांठ छोड़ी है खुद की तुम अभी क्या कह रहे हो कहा संसार कर रहे हो परमात्मा आया है उसकी गांठ तो छूट गई पर तुम्हें लग गई तुम्हें बंध गई क्योंकि पूर्ण मुक्त हुए बिना तुमने उसकी गांठ छोड़ने की कोशिश की कर्मबंधन की अभी वो गांठ वहां से निकल गई भले वो ज्ञान में आए या ना आए और वो गांठ तुम्हें बंध गई अब क्या करोगे और तुम्हें क्या भ्रम है कि तुमने तो संसार की गांठ कब की छोड़ दिए हां छोड़ दिए समर्पित भी हो पर तुमने किसी और की गांठ छोड़ने की चेष्टा की है ना बिना अपने स्थिति में आए अभी समर्पित होकर इस अलौकिक राह पर इस यज्ञ में संसार की गांठ तुम्हें बंध गई वहां का संसार तो छूट गया पर संसार से जो एक संसार की गांठ आई है बंधन आया है वो यज्ञ में लग गया फिर तुम यज्ञ में भी संसार करने लगोगे इसलिए चुप रहा जाता है तुम कुछ बोल भी नहीं सकते महात्मा बुद्ध जी कुछ बोले इतने वर्षों में जब तक अपने आप को पाए जो बोलना था अपने आप को पाने के बाद बोला समझ है बच्चे तुम देखो अपने आप को आध्यात्मिक राह पर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि तुम्हें इतना सा ज्ञान मिला कि नहीं मिला तुम बोलना स्टार्ट करते हो तुम प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हो इतनी सी समझ मिली कि नहीं मिली तुम एक्सप्लेनेशन डिस्कशन क्लैरिफिकेशन में चले जाते हो यह सबसे बड़ा बंधन है समझ है बच्चे सारी समझदार बनो, बंधन में हो हर प्रकार से बंधन में हो आपको नहीं लगता सारे बंधनों से निकले देखो मुझे देखो दिख रहा है कुछ इवन विश्व कल्याण का भी बंधन दिख रहा है हो ना हो ड्रामा की मर्जी कोई बंधन नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं भल मैं कहता हूं मधुबन जाएंगे मधुबन जाएंगे सबका कल्याण हो जाए इसलिए बाबा चाहता है जल्दी पहुंच जाए पहुंचे ना पहुंचे मैं मेरे में मस्त हूं हाँ उन बच्चों के लिए मुझे चिंता लगती है पर उस रूप से चिंता नहीं है जैसे तुम्हें होती है मैं चिंता से भी परे हूं ड्रामा में है तो हो जाए कल्याण नहीं है तो ना हो मैं क्यों चिंता करूं समझ है मुझे कोई शौक नहीं भाई बड़ी सभा में बैठने का उल्टा मेरा खतरनाक है क्योंकि 25,000 की सभा कितने पर आएगी गारंटी नहीं है मैं बैठने के बाद क्योंकि मुझे टॉप क्वालिटी लगती है इतना तो पक्का है समझ है मैं तो बैठा हूं मुक्ति के लिए पहले मुक्ति के लिए जीवन मुक्ति अभी नहीं पहले मुक्ति मुक्त हुए हो समझ है बच्चों मुक्त रहो हर बात से मुक्त रहो समझ की बात है तुम्हें लगता है मैं सोच समझ कर मुरली चला रहा हूं देखो जरा मुझे जो आ रहा है बोल रहा हूं ड्रामा सोच समझ कर सेंटेंस महावाक्य में बनाऊ महावाक्य के शब्द के अक्षर के भी बंधन में मैं नहीं हूं उससे भी बाहर हूं जो आएगा वो तुम्हारा भाग्य मैं क्या करूं मैं कुछ सोच कर ज्ञान नहीं देता मैं तुम्हें कह रहा हूं असोचता बनो और मैं सोचूंगा क्या समझ है भाई जो आ रहा है दे रहा हूं जो बन रहे बन रहे नहीं बन रहे नहीं बन रहे, नहीं बन रहे। मुझे क्या आपत्ति है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पत्थर की मूर्ति बन रही है आकार ले रही है और कोई पत्थर पत्थर का पत्थर है मैं क्या करूं तेरी अपनी मर्जी तुझे जो अच्छा लगे कर बस अंत में बहुतों की मूर्ति आ बन जाएगी तब रोना नहीं मेरी मूर्ति क्यों नहीं बनी समझ की बात हैं सारी पहले मुक्ति में आ बंधनों से मुक्त हो जा बच्चे देख कितने बंधनों में है तुम तो, तुझे खबर भी नहीं है बंधनों से बाहर निकल तुझे जिस जिस बात की चिंता है वो सारे बंधन है तुझे अभी विपरीत शब्द है पॉजिटिव तुझे जिस जिस बात की केयर है वो भी बंधन है केयर भी तो बंधन है और डोंट केयर भी बंधन है दोनों से परे जा सकता है है ताकत है इतनी शक्ति चल सकता है समझ की बात है बच्चे ज्ञान बहुत गहरा है ऊपर ऊपर से नहीं लेना वरना ऊपर ऊपर से ऊपर चले जाओगे लेकिन कभी अंदर नहीं उतर पाओगे गहराई में समझ है बच्चे होश में आ जा बंधनों को चेक कर तू सब तरफ से बंधा हुआ है सब तरफ से तुझे खबर भी नहीं अभी आप मुरली में बैठे हो आप रोज जैसे बैठते हो ना ऐसे ही बैठे हो मतलब बैठने में भी बैठने में भी बंधे हुए हो कोई हाथ ऐसे ही रखता है कोई ऐसे ही रखता है कोई ऐसे रखता है कोई ऐसे रखता है कोई ऐसे रखता है।, है।, है अलग रूप से रख सकते हैं बंधन और क्या कहूं मैं तुझे उसी प्रकार से बैठना है यही तो बंधन है अभी ये पंखा बंद हो जाए तो तुझे गर्मी लग रही बंधन पंखे पे बिठाया तो ठंडी लग रही बंधन गर्मी तो शरीर को लग रही है ना तो आत्मा क्यों विचलित तो हो रही है ठंडी तो शरीर को लग रही है ना तो आत्मा क्यों विचलित तो हो रही है मैं ये नहीं कहता ठंड में बैठो या गर्मी में बैठो जैसे चाहे रहो पर बंधन में क्यों समझ है मैं जो तुम्हारे सामने हूं साकार में मेरी कोई एक बात बता मेरा बैठना ऐसे ही है उठना ऐसे ही है चलना ऐसे स्थूल बात में बताता हूं एक भी बताओ जो मैं ऐसे ही करता हूं नहीं मिलेगी बच्चे मुश्किल कुछ ढूंढ पाओ नहीं मिलेगा और जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे मन का वहम होगा क्योंकि वो है नहीं समझ है मैं यहां बैठा हूं यहां पैर रख के यहां भी बैठ के मुरली चला सकता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जहां हाथ रखे यहां बैठकर भी मुरली चला सकता हूं कोई गुरु चला सकता है किसी गुरु में है ताकत बंधन में है इसी पोज में बैठना ऐसे बैठना वैसे बैठना मुझे कोई आपत्ति नहीं न मैं बंधन में रहता हूं न कभी किसी को बंधन में रखता हूं समझ है बच्चे देख विचार कर अपने से तेरा भोजन उसी प्रकार से तुझे पता भी नहीं चलता तू उसी प्रकार से भोजन की शुरुआत करता है रोज उसी प्रकार से चाय पीता है उसी प्रकार से सोता है जागता है नहाता है कभी मन नहीं होता कुछ जरा चेंज करे पद्धति में बोर नहीं हुए हो उसी प्रकार से लाइफ जीने में समझ है तुम बंधन में हो तुम्हें खबर भी नहीं समझ है बच्चे सारे कब बंध चुके हो तुम्हें पता भी नहीं चला तुम्हारी किसी किसी के बैठने की जगह भी फिक्स होती मुरली में पद्धति भी सेम होती है समझ की बात है समझदार बनो बच्चे तुमने अपने आप को फंसा लिया है बंधनों में अनगिनत बंधन है जिनमें तुम अटके हो तुम्हें उसी प्रकार का स्वाद लगता है बच्चे देख अपने आप को चेक कर कुछ भी जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है ऐसे ही करके वो सब बंधन है और कुछ भी नहीं समझ है कोई एक्सपर्ट ड्राइवर है ना उसको बाजू में बैठा नहीं चाहता उसको स्टेयरिंग व्ही चाहिए हाथ में बंध चुका है ऐसी हालत है जो स्पीकर है ना उन्हें बोले बिना रहा नहीं जाता जो योगी है ना उन्हें योग कराए बिना रहा नहीं जाता जो धारणा वाले हैं वो सदा धारणा की चर्चा करते ही रहेंगे उसके बिना रहा नहीं जाता और सेवाधारी अरे यहां क्या बैठे हो चलो सेवा करने न ये बैठेंगे चैन से न किसी को बैठने देंगे समझ से सब बंध चुके हैं और पता भी नहीं है किसी को मैं ये नहीं कहता अमृत वेला आगे पीछे हूं अमृत वेला तो ये पूरा संगम है पर कोई चार बजकर एक मिनट में उठता है ना तो स्ट्रेस में आता है ये घड़ी के बंधन में आ चुका है चार का आंकड़ा उससे बाद उठे तो नरक में चले जाएंगे जैसे चार बजे उठने वाले स्वर्ग में पहुंच गए इनकी टिकट बुक हो गई अजीब संसार है एक दूसरे को बस बंधन में डाल रहे है और कुछ नहीं कर रहे है। ये खुद चार बजे उठकर सोता है और दूसरों को कहता है अमृत वेले उठोगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं आओगे समझ है होश में आ जा बच्चे देख कितने बंधनों में है तुझे मीठा लगता है कड़वा नहीं जाता बंधन में है। जो नहीं होता वो भी बंधन और जो करने का मन बार बार हो रहा है वो भी बंधन समझ है सबसे परे आत्मा किसी बंधन में नहीं है देख अपने आप को चेक कर कितने बंधनों में है कब निकलेगा सलवेशन आर्मी कहलाते हो ना अपने आप को देखो कितने बंधनों में हो। समझ है आपको कभी याद आता है आप किसी के बच्चे हो किसी के भाई बहन हो किसी के फ्रेंड्स हो याद आता है बंधन में हो मुझे देखा है कभी इन स्मृतियों में मैं किसी का बच्चा हूं किसी का भाई हो किसी का मित्र हूं देखा है कभी साकार में पूछ रहा हूं कभी भी बताओ जब मैं बैठा हूं चल रहा हूँ कोई सेवा कर रहा हूं अभी छोड़ो मुरली मुरली में भी बता सकते हो लग रहा है मुझसे समझ है तुम बंधनों में हो कब निकलोगे तुम्हें तुम्हारा लौकी घर याद आता है बंधन में हो समझ की बात मुझे इस सृष्टि में मेरा कोई लौकी घर नहीं दिख रहा है मधुबन भी नहीं मुझे हमेशा मेरा घर परमधाम ही याद आता है। कोई घर ही नहीं मेरा इस सृष्टि में कोई घर नहीं मैं बस मेहमान हूं बस सृष्टि परिवर्तन के लिए आया हूं बात समाप्त तू देख तेरी कितनी स्मृतियां है ये सारे कर्म बंधन है समझ की बात मजेदार बात है स्मृति आती है आने दो कॉर्ड कट करो और सकाश दो उसे तब तक दो जब तक विस्मृति ना हो जाए कोई भी बात यही तो अध्यात्म सिखाता है बैठो और बच्चों ऐसे बैठने के बाद चलते 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 ऐसी स्मृतियां भी आएंगी जो कभी तुमने इस संसार में देखी ही नहीं इस जन्म में समझ जाना पिछले जन्मों में जा रहे हो सौ साल भी कम पड़ते त्रेसठ जन्मों की क्लीनिंग के लिए और तू बेफिक्र है बाबा करेगा सब समय अनुसार हो जाएगा ड्रामा करेगा जैसे ये सब तेरे लिए ही बैठे तेरा पुरुषार्थ करने के लिए समझ है तुझे नहीं करना है तो ये सब क्यों करेंगे होश में आ जा बच्चे तू बंधन में है देख चेक कर कर्म बंधन में नहीं फंसना है बाप कहता है पर तू बंधन में है बिना बैच के रह सकता है रह सकता है ज्ञान दे सकता है योग कर सकता है बिना बैच के और ना बैच के बंधन में रंगीन कपड़े पहनकर ज्ञान दे सकता है योग कर सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कर बस बुद्धि से चेक कर मन से चेक कर संस्कार क्या कहते हैं विचार कर समझ है बच्चे तो कितने तो बंधनों में है तुझे खबर भी नहीं है समझ है तेरी एक चप्पल किसी ने पहनी तेरे ही अलौकिक परिवार से तुरंत कहता है, अरे वो हमारी चप्पल है पहनने दो आज नहीं तो कल उसे पता चलेगा कि तुम्हारी है उसमें भी तू अटका है इतनी तेरी लो लेवल की अवस्था हो चुकी है समझ है बच्चे कितना गिर चुका है तुम समझ की बात मजा देखना है जैसे अभी आप बैठे हो किसी बात के लिए आप यहां से थोड़ा आधा एक मिनट के लिए बाहर हुए और तब तक मैंने किसी और को बिठाया वहां आते ही मन चलेगा अरे हमारे जगह पर कोई बैठा दरवाजे में आते ही मन चलेगा अभी अभी मुरली के लिए बैठा है और जगत तेरी हो गई क्या जाल है तेरे अंदर बंधनों का वो शायद स्पाइडर में भी नेट कम होगा जाल उससे भी ज्यादा तेरे अंदर है अभी अभी मुरली के लिए बैठा है सात सवा सात को मुरली स्टार्ट हुई साढ़े छ को लाइव स्टार्ट हुआ अभी अभी बैठा है एक डेढ़ घंटा हुआ है और तुरंत जगह तेरी बन गई अरे हमारी जगह पर कोई बैठा और ये तो है बंधन की अवस्था पागलपन का दौरा आके कहेंगे अरे ये हमारी जगह है, ये पागलपन में आया पूरा पागलपन भूत सवार हो गया इसके अंदर की पागलपन की आत्मा जग गई सोल जग गई देख विचार कर और कहता क्या है तुम्हें संग खाऊ तुम्हें संग बैठो, तू जैसे रखे जहां रखे जो खिलाए जो पिलाए कुर्सी चेंज कर दी जगत चेंज कर दी तो जहां मिले बैठ ना मन क्यों अटका है, समझ है सेवा चेंज कर दी तो बात ही छोड़ दो पूरा पागल खाना इसके दिमाग में मर्ज हो जाता है मेरी सेवा किसी को दी पूरा पागल खाना मैं आपको लिखे देता हूं उस समय जो ऊपर नीचे स्थिति होती है ना उस स्थिति को चेक करना और पागल खाने के एक पागल की स्थिति को चेक करना सिमिलर मिलेगी ईसीजी और ई जी चेक करना सिमिलर मिलेंगे आपको दोनों के बस ये थोड़ा होश में वो थोड़ा बेहोश है अंतर इतना ही है पर पागल दोनों है ये दोनों के दोनों रोने वाला महापागल जैसे ही तुम दुख में रोते हो तुम्हारी आत्मा खोज जाती है तत्क्षण अब क्या करोगे जीव को लेकर इसलिए बच्चे बंधन में नहीं रहो बंधन समस्या है समझ की बात है होश में आ जाओ माया ने तुम्हें कब फसाया है तुम्हें पता भी नहीं चला लिस्ट निकालो बंधन की रस्सियां धागे काटो अपने आप को मुक्त करो जो अपने आप को मुक्त करता है उसे जीवन मुक्ति देना मेरा काम है पर अगर तुम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते तो मैं जीवन मुक्ति नहीं दे सकता लेने की तो सोचो भी नहीं जीवन मुक्ति तुम सोच भी नहीं सकते तुम तुम्हें जीवन मुक्ति नहीं दे सकते वो परमात्मा का काम है जीवन मुक्ति देना बस चुप रहो अपने आप को मुक्त करो सबसे बच्चों समय लगता है मैंने कहा ना एक तपस्वी को जो बारह साल तपस्या करता है नौ साल लगते हैं अपने आप को मुक्त करने के लिए बाहरी रूप से बचे हुए तीन साल में अंदरूनी रूप से मुक्त होकर अपने में आता है बच्चे देख कर्म बंधनों से निकल हर प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त कर अपने आप को फिर जीवन बहुत सुंदर है संगम के बंधन वाले को मजा नहीं आएगा वो बैल देखा है आपने जिसके गले में लकड़ी बांधते उसको कितने भी हरियाली में छोड़ो उसको आनंद नहीं आता बंधन है ना खेल कूद नहीं सकता भाग नहीं सकता दौड़ नहीं सकता बस चुपचाप चारा खाना है ये कोई जीवन है क्या बंधन के जीवन बंधन की होती है पिंजरा सोने का भी हो फिर भी पिंजरा ही है समझ है बंधनों से मुक्त करो अपने आप को यही तुम्हारा आध्यात्मिक परम कर्तव्य है इसके बिगर आगे मत बढ़ो बंधनों से मुक्त हो जाओ फिर देखो जीवन में बड़ा आनंद आएगा निर्बंधन ही सेवा करें ध्यान देना जिसकी स्थिति कम से कम एक मास तक और उससे ऊपर अच्छी है एक मास तक वो कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ है इमोशनल नहीं हुआ है। इरिटेड नहीं हुआ नाराज उदास डिस्टर्ब नहीं हुआ एक मास तक कम से कम और उससे ऊपर उसी को कुछ सेवाएं देनी चाहिए कुछ बाकी जिसकी स्थिति ऊपर नीचे होती है उन्हें नहीं आना चाहिए वो बंधन में है समझ है बंधन वाले के हाथ से दाल चावल भी खाओ तुम अपने आप बंधन में आ जाओ तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं होगा फिर भी बंधन में आ जाओ पानी भी पियो फिर भी आ जाओ इसलिए एक मास स्थिति का रिपोर्ट एक सेकंड के लिए भी ऊपर नीचे नहीं और खुश मिजाज चेहरा तब वो सेवा करे वरना ना करे और फिर कौन करेगा सेवा जो खुश मिजाज है खुशी में किसी भी बात को लेकर स्थिति ऊपर नीचे नहीं हुई वो भाग्य लूट कर ले सुबह से लेकर रात तक सारी सेवा ले यज्ञ की और परम सौभाग्य ले भले अकेला भी हो अकेला सारी सेवा करे और सारा भाग्य अकेला ले हर्जा नहीं समझ है बच्चे और यही ज्ञान कहता है यही अध्यात्म कहता है समझ है बच्चे बहुत बच्चे समर्पित होना चाहते हैं, कहते हमें समर्पित होना है तुम लौकिक में ढंग से नहीं चल सकते यहां क्या चलोगे लौकिक माता पिता पति पत्नी बच्चों के साथ तुम्हारा अच्छा व्यवहार नहीं ये तो पराए है वो तो खून का रिश्ता है जिनके साथ तुम्हारा प्यार से चलन नहीं है व्यवहार नहीं है बोल नहीं है तुम यहां क्या करोगे इसलिए जब भी किसी को समर्पित कराना हो जब कभी ड्रामा भाग्य समय खुल जाए तब पहले ये चेक करना लौकिक में कितनों से कितना प्यार से चलते हो कितना नम्रता से चलते हो कितना खुशी से चलते हो तभी अलाव करना है वरना नहीं बच्चे चार मास और उससे ऊपर सबसे बेहद प्यार से माता पिता ने थप्पड़ भी मार दी फिर भी बच्चा बड़े प्यार से नम्रता से व्यवहार कर रहा है पति पत्नी ने लात भी मार दी पत्नी तो नहीं मारती आजकल तो वो भी हो चुका है सपोज दिखने को आता है तो वो भी हुआ फिर भी दूसरा वाला बड़े प्यार से बच्चे कैसे भी चल रहे माता पिता प्यार से माता पिता कैसे भी चल रहे बच्चे प्यार से उन्हें को अलाव करना है वरना इनका कोई भरोसा नहीं इनके अंदर का शैतान कब जग जाएगा और यह अंगामे करेगा समझ है। और मैंने एक धारणा भी तो कही है पहले संसार में किसी का सुनते हो क्या अगर किसी का नहीं सुनता है तो इसको कभी समर्पण का भाग्य नहीं देना है क्योंकि यहां भी किसी का नहीं सुनेगा बिल्कुल और उसने कहा संसार में हमारे माता जी का पिताजी का पति या बच्चों का चाचा मामा का का जिनके साथ रहते हैं उनका सुनते हैं एक का भी तो भी उसके अंदर संस्कार है यहाँ चलेगा वरना यहाँ नहीं चल पाएगा वो अपनी जिद लड़ाएगा सुनने की आदत नहीं है सुनाने की जो आदत है ऐसे को कभी समर्पण का भाग्य नहीं देना है भी नहीं समझ है बंधन में ही दूसरों को भी बंधन में डालेगा समझ है निर्बंधन बच्चे ही विश्व का कल्याण कर पाएंगे निर्बंधन देखो चेक करो निर्बंधन बने हो विचार करना बाकी बच्चों तुम्हारा भाग्य तुम्हारा ड्रामा और बाप क्या कहें तुम्हारा भाग्य तुम्हारा ड्रामा तुम्हारा संगम